तो भाई आज ग्वालियर में दिखाएंगे हम आपको दिल्ली का फेमस मोहब्बत सरबत। और जो लेके आए हैं हमारी एक प्यारी सी दीदी है, इन्होंने लगाया है अपना स्टॉल ग्वालियर के समर मेले में। हेलो दीदी, कैसे हो? बहुत बढ़िया है सर। तो दीदी आप कहाँ से हो? मैं लोकल ग्वालियर से ही हूँ। लोकल ग्वालियर से ही हो जी। तो दीदी ये मोहब्बत का सरबत आप दिल्ली से ग्वालियर कैसे लेके आए? नहीं, काफी गर्मी पड़ रही थी तो मेला समर मेले के हिसाब से लोगों को ठंडक देने के लिए और नई चीज लोगों को इंट्रोडक्शन कराने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है। तो लोगों को पसंद आ रहा है? जी बहुत ज्यादा, स्पेशली तो बच्चों को तो बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा, एक बार दिखाएंगे कैसा होता है मोहब्बत का सरबत। तो भाई देखिए दीदी ने बनाया हुआ है मोहब्बत का सरबत। और दीदी क्या क्या आइटम डालते हो इसमें आप? इसमें तरबूज डालते हैं, दूध डालते हैं और अफ्जा डालते हैं। अच्छा, ओरिजिनल डालते हैं आप? जी जी। ये दिखाइए एक बार, इसमें तरबूज वगैरह डाला हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए आप तरबूज भी डला है इसमें, आते हैं क्यूब्स आते हैं। हाँ ये देखिए आप। हाँ हाँ हाँ। तो ये कच्चे दूध का बनाते हो, दूध पका के बनाते हैं? नहीं, वो टेट्रा का जो दूध आता है, मिल्क आता है। टेट्रा मिल्क का बनाते हैं। दीदी एक चीज और बताइए, आपने ये क्या रख रखा है इसमें छुपा के? इसमें ये है मैंगो जूस रखा है, ये भी घर का होममेड है, ये घर से ही बना के लेकर आते हैं। एक बार चला के दिखाइए दी। बिल्कुल जी। अच्छा, इसमें मिल्क नहीं है? लेकिन इसमें कम मिल्क होता है। इसमें कम मिल्क होता है। हाँ। अच्छा दीदी, मैं पीछे और देख रहा हूँ, पीछे भी आपके कुछ आइटम रख रखे हैं। जी हाँ, तो ये क्या खिला रहे हैं आप? ये इडली सांभर है, ये भी हम घर से ही बना के लेकर आते हैं। तो ये आप खुद ही बनाते हो? जी जी जी, हम खुद ही बनाते हैं, सारा होममेड बना हुआ है। और भाई ये चेक कीजिए सांभर, तो क्या प्राइस होता है दीदी इसका? 30 रुपी प्लेट से, इसमें दो इडली आती है और सांभर आते हैं। तो भाई पीने आए थे मोहब्बत का सरबत, मोहब्बत का सरबत तो हम पियेंगे ही, और साथ में भाई ये हमारे डेविड भाई हैं, और ये ले आए क्रिस्पी बर्गर। यार ये बर्गर हमने इससे पहले नहीं देखा था इस टाइप का। ये एकदम क्रिस्पी बर्गर है और इसको हम लोग यही बनाते हैं, हल्के हल्के ताजा ऑर्डर मिलने पर। और ये सब ये बर्गर जो है ग्वालियर में पहली बार लाए हैं, ये आपको ज्यादातर बड़ी सिटियों में देखने को मिलेगा, जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली वगैरह। तो भाई क्या प्राइस है इसका? इसका ज्यादा कुछ नहीं है, ग्वालियर के मेले के हिसाब से हमने 40 रुपीज रखा है, 40 रुपए रखा है, तो रीजनेबल ही है। टेस्ट करेंगे तब आप कहेंगे कि वाकई में ये लाइक है। भाई ये आ गया हमारा मोहब्बत का सरबत, और काफी ठीक बनाया हुआ है, और साथ में आ गई। तो भाई दहली सोया चाप का हमने लगवा लिया है मोहब्बत सरबत, और साथ में लगवाया है क्रिस्पी बर्गर। और भाई एक आइटम हमें और मिल गया इनके यहाँ पे, वो था पोटैटो ट्विस्टर। भाई ये देखिए काफी सुंदर बनाया हुआ है, और प्राइस अगर जानेंगे आप तो इसका प्राइस है मात्र 30 रुपए। भाई 30 रुपए तो यार जेन्युइन प्राइस ले रहे हैं, मेले में आके 30 रुपए में पोटैटो ट्विस्टर, क्या बात है भाई। और एक बार देखिए इनका क्रिस्पी बर्गर, जो मुझे देखने में काफी अच्छा लगा, काफी क्रिस्पी टाइप का है। मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या। ये देखिए काफी ब्रेड है, और ब्रेड को क्रिस्पी करके बनाया हुआ है, और कुछ कुछ ये कटलेट टाइप का लग रहा है। इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं उनका भी काफी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मुझे तो ये अच्छा लगा, और साथ में भाई ट्राई करते हैं इनका ये मोहब्बत सरबत जिसके लिए हम आए थे इनके पास। और ये देखिए भाई मोहब्बत का सरबत काफी गाढ़ा बनाया हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है कि पतला सा है। भाई रूह अफ़ज़ा का फुल फ्लेवर है, साथ में इन्होंने इसमें जो तरबूज ऐड किया है उसका भी फुल फ्लेवर है। तो मोहब्बत के सरबत मुझे तो अच्छा लगा, और इसका प्राइस है मात्र 20 रुपए। यार 20 रुपए में कोई भी आदमी यहाँ पे आके चिल हो सकता है, और ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें ये मोहब्बत के सरबत आपको बिल्कुल तरबतर कर देगा। तो भाई मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।